हेलो गाइस, सत केवल साहेब, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका दिन भी अच्छा जाए। गाइस गाइस, मैं आया हूँ आज नादीपुर गांव में, वहाँ पे परम गुरु के मंदिर में आज दर्शन करने आया हूँ। गाइस आज गाइस दिन भी बहुत ही अच्छा है, गुरुवार है और रामनवमी भी है गाइस। और मैं सोच रहा था कई दिनों से कि कुछ अलग मंदिर पे दर्शन करने जाए, और यहाँ पे नादीपुर आने का गाइस मेरे को बहुत मन था, परम गुरु के दर्शन करने थे। यहाँ पे भी इस मंदिर का बहुत नाम सुना है गाइस, तो सोचा चलो एक दिन जाते हैं। और वो दिन आज गाइस आ गया है फाइनली, और मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए परम गुरु के। और चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ और अंदर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा है यहाँ का गाइस नज़ारा, तो चलो अंदर जाते हैं। और गाइस ये देखो, बहुत ही बड़ा गेट है यहाँ पे, और वहाँ पे लिखा है श्री कैवल्य ज्ञान मंदिर नादीपुर, देखो। और गेट भी बहुत ही बढ़िया है और मंदिर भी बहुत अच्छा है गाइस, और परम गुरु का स्वरूप भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। चलो देखते हैं और आपको दिखाता हूँ, चलो अंदर। और बहुत ही बढ़िया इधर क्या बोलते हैं, आसपास झाड़ पेड़ पौधे भी लगा है, बहुत ही अच्छा है गाइस यहाँ का। देखो ये रहा, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे मंदिर भी। देखो आसपास चिड़ियाँ भी बोल रही है और आसपास घर भी है, देखो गाइस दोनों तरफ रोड पे ही मंदिर। आपको आना हो तो आ सकते हो यहाँ पे, इसकी लोकेशन मैं डाल दूँगा लिंक में, ठीक है? दर्शन करना आना हो तो आ सकते हो गाइस आप यहाँ पे, ठीक है? ये रहा, आसपास पेड़ बहुत ही अच्छे लगाए हैं और उसकी और गाइस आ गया फाइनली मंदिर में, परम गुरु का स्वरूप देखो और दर्शन भी कराता हूँ, चलो अंदर जाके। ये देखो गाइस परम गुरु, बहुत ही बढ़िया स्वरूप है यहाँ पे, देखो गाइस ये है परम गुरु सिर, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे भी स्वरूप।
देख लो। ये नारायण दास जी महाराज की मूर्ति देख लो गाइस, स्वरूप। ये तपस्वी रघुराम जी के स्वरूप दर्शन कर लो गाइस। और गाइस इधर बहुत कुछ लिखा है देखो, यहाँ पे आठ दशक स्वराज करुण स्कैवल करता तो हम नमामि, और बहुत कुछ लिखा है देखो। और ये परम गुरु के बाल स्वरूप का पिक्चर देख लो। और ये है मंदिर पूरा नारदीपुर का, बहुत ही अच्छा है गाइस। आप कभी इस तरफ आओ दर्शन करने के लिए तो आ सकते हो, ठीक है। चार धाम के फोटोज़ लगाए हैं यहाँ पे, ये समाधि मंदिर, ये अमरदाड़म, और यहाँ पे मुरुगादी सहरसापुरी, और बालको के चारों धाम के फोटो लगाए हैं। और ये परम गुरु का स्वरूप तो देख लिया आपने, बहुत ही बढ़िया है। देखो गाइस ये आसपास का नज़ारा, पंछी बहुत है यहाँ पे, चिड़िया, तो वातावरण भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का, एकदम शांत। आपको सुनाई दे रहा होगा चिड़ियों की आवाज़। एकदम शांत वातावरण है गाइस यहाँ का, अच्छा है। कोई भी मंदिर पे गाइस जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो मैं तो गाइस बोलता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो मंदिर में दर्शन करने जाना ही चाहिए, उससे अच्छा लगता है और मन को शांति भी मिलती है। कोई भी चिंता टेंशन हो तो मंदिर में आप गाइस दर्शन करने के लिए जाओ तो एकदम रिलैक्स फील होता है गाइस, और परम गुरु के दर्शन करने का मौका भी मिलता है। मैं तो गाइस ऐसा सोचता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो परम गुरु के दर्शन करने आ जाऊँ गाइस, ऐसा है मेरा। और मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आ ही जाता हूँ गाइस परम गुरु के दर्शन करने, कहीं पे भी हो, गुरुगादी सहरसापुरी हो या फिर कहीं पे भी गाइस, नारदीपुर। ये गाइस संत श्री अमरदास जी सांस्कृतिक हॉल नाम रखा है गाइस, नादीपुर। और आसपास का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है, जगह भी अच्छी है गाइस। देखो एकदम खुली जगह, कुछ भी प्रोग्राम आयोजन करना हो, फंक्शन करना हो तो हो सकता है यहाँ पे, इतनी जगह तो है, अच्छे है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो रघुराम महाराज की तपोभूमि देखो गाइस, चल अंदर ले जाता हूँ। हमारे सभी आचार्य और तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय, सत केवल साहेब।